नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। पिछले दो साल में सरकार ने कितना दम दिखाया है, दो में कितना दम है, इसका जवाब हम आपके लिए तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। विकास के रास्ते पर कहां तक सरकार निकली है, आपके लिए कितना विकास अभी तक उस रास्ते पर हुआ है, रास्ते की बात कर रहे हैं तो नितिन गडकरी जी हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। इस शो में हम सभी मंत्रियों से पूछते हैं कि क्या उनकी उपलब्धियां रही हैं, और इसका फॉर्मेट खास हम दो पर ही आधारित रखते हैं, तो इसीलिए जब हम शुरुआत करेंगे तो मैं चाहूंगी कि दो मिनट के भीतर अगर आप अपनी उपलब्धियों को बता दें हमारे सभी दर्शकों को। देखिए, हमारे सेक्टर में जब हमारी सरकार आई तो 2 किलोमीटर पर डे रोड कंस्ट्रक्शन आया था, और आज हम लोग 24 से 25 किलोमीटर पर डे तक आए हैं। तो रोड सेक्टर में 26 मई को जब हम पूरे करेंगे तो हमारे पूरे डिपार्टमेंट में शिपिंग और रोड दोनों मिलाकर हम 2.5 लाख करोड़ के नए काम हमने अलॉट किए हैं। दूसरी उपलब्धि यह है कि मैं जब मंत्री बना तो मेरे डिपार्टमेंट में 403 प्रोजेक्ट्स जो करीब 3,85,000 करोड़ के बन पड़े थे, उसका काम लगभग बन पड़ा था। बैंक वाले भी तकलीफ में आए थे, कॉन्ट्रैक्टर भाग गए थे, फॉरेस्ट इन्वायरमेंट क्लियरेंसेस नहीं थे, लैंड एक्विजिशन के प्रॉब्लम थे, यूटिलिटी शिफ्टिंग के प्रॉब्लम थे। हमने 41 प्रोजेक्ट टर्मिनेट किए और 3-4 प्रोजेक्ट और शायद टर्मिनेट करेंगे, पर आज के स्थिति में हमने लगभग 95% प्रॉब्लम सॉल्व किए। दिल्ली से डेहराडून, दिल्ली से जयपुर एयर रोड सब बंद पड़े थे जब उसमें अच्छा काम अब शुरू हुआ है, लगभग वो ख़त्म होने के कगार पर है। और करीब 15-16 प्रोजेक्ट 30,000 करोड़ को छोड़कर हमने लगभग इसमें से मार्ग निकाल लिया है। तीसरी उपलब्धि बहुत बड़ी हमारे डिपार्टमेंट की यह है कि हमारे 12 मेजर पोर्ट्स और विशेष रूप से हमारी 3 फ्लैगशिप ऑर्गेनाइजेशन कोचिन शिपयार्ड, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, हमारा प्रॉफिट पहली बार हमारी और ऑर्गेनाइजेशन 6,000 करोड़ से प्रॉफिट में है। और हमारी वर्ल्ड के जो प्रोग्रेसिव हिसाब से 4.36% हमारा एफिशिएंसी और बिजनेस बढ़ा है। दूसरी ओर जो हिंदुस्तान में प्राइवेट सेक्टर के पोर्ट्स थे उसके तुलना में पहली बार इस साल हमारा 2.46 ग्रोथ पॉजिटिव है, और वो 1.5% पीछे है। तो ये उपलब्धि जो है ये विशेष रूप से है, और इनलैंड वाटरवेज में जो अनेक सालों से बात होती रही है, हमने गंगा में काम शुरू किया है जी। 3 जगह पर वर्क ऑर्डर दिए हैं, मल्टी मॉडल हब बना रहे हैं, 40 जगह वाटर पोर्ट बना रहे हैं, 5 जगह पर मल्टी मॉडल हब बना रहे हैं। और वाराणसी टू हल्दिया 1620 किलोमीटर का काम हमने शुरू किया। आपके 2 मिनट पूरे हो गए हैं, इसलिए अब मैं विस्तार से आपसे ये सारी चीज़ें जानूंगी। यानी कहने का मतलब ये कि काम ने रफ्तार पकड़ी है, जो रोड ब्लॉक्स थे वो इस रोड पर से हट गए हैं, लेकिन शिकायत तो आपने ये भी की थी कि आपके मंत्रालय को ही क्लियरेंस लेने में दिक्कत हो जाती है दूसरे मंत्रालयों से। देखो, मैंने शिकायत नहीं की। हाँ, मेरी बात को आप समझिए कि हमने 850 एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस ऐसे सरकार ने लिए हैं जिसमें काफ़ी बदल हुआ है। मेरे डिपार्टमेंट में 21 कैबिनेट डिसीजन कैबिनेट नोट गई है, और उसके कारण हमने चेंजेस किए हैं। इसके बावजूद भी आज प्रोजेक्ट को क्लियर करने के लिए जो सिस्टम है, उस सिस्टम में अगर मीटिंग होती है, कमिटी आज बनी है, तो कमिटी में डिसीजन होने के बाद उसके मिनट साइन करने के लिए 15 दिन 20 दिन महीना भर लगता है, तो इसमें डिले होता है। तो अभी भी ये अवसर हमारे लिए है कि हम लोग सिस्टम को और इम्प्रूव करें और उसका समय कम करें। ये हो रहा है इम्प्रूव? हाँ बिल्कुल, मेरे डिपार्टमेंट लगातार मैं निर्णय करते रहता हूँ, अब रोज बदल रहा हूँ और मैं इसका अध्ययन करते रहता हूँ। आप ही के विभाग से एक अधिकारी ने सूत्रों के हवाले से जो खबरें निकलती हैं उसके हिसाब से कहा था कि अब तक ऐसा होता था कि जो सबसे ज़्यादा करप्ट मंत्री होता था वो अमूमन इसी विभाग से होता था, लेकिन इस बार ऐसा कुछ हो नहीं पा रहा है। देखो, अभी 2.5 लाख करोड़ में कोई कॉन्ट्रैक्टर मेरे घर पे नहीं, मैं आपके चैनल पे मेरा माथा ऊपर करके बात कर रहा हूँ इनके सामने, क्योंकि मैंने 1 करोड़ 1 रुपया किसी से लिया नहीं और दिया नहीं। कोई कॉन्ट्रैक्टर मेरे घर पे आता नहीं। 100% ई गवर्नेंस है, जिसका 12 बजे टेंडर लोवेस्ट होता है, 3 बजे उसको वर्क ऑर्डर मिलता है। बम्बई को सुधार दिया था आपने, मुंबई को सुधार दिया, 55 फ्लाईओवर जो प्रोजेक्ट था आपका, दिल्ली सुधर सकती है या नहीं सुधर सकती? सब कुछ आजमा कर यहाँ पर देख लिया गया। दिल्ली का 18% पोल्यूशन, ये IIT का एक रिपोर्ट है। हाँ, ये केवल व्हीकल्स के कारण है। 80% किसके कारण है ढूंढना पड़ेगा। अब जैसे मैं आपको बताऊं कि मैं रोज़ एयरपोर्ट में जाता हूँ, तो मुझे रोज़ सुबह आता हूँ, 9 बजे मेरा प्लेन आता है, तो नागपुर से दिल्ली आने के लिए मुझे
डेढ़ घंटा लगता है और दिल्ली एयरपोर्ट से घर आने के लिए डेढ़ घंटा लगता है। ये धौला कुआ के पास मैं अटक जाता हूँ। तो अभी मैंने ये तय किया कि दिल्ली में ट्रैफिक जाम और ब्लैक स्पॉट एक्सीडेंट को हमने आइडेंटिफाई किए हैं। अब दिल्ली में एक सुप्रीम कोर्ट ने भूरेलाल कमेटी अपॉइंट की थी कि पंजाब हरियाणा का ट्रैफिक दिल्ली के बीच में से राजस्थान जाता है, राजस्थान का ट्रैफिक बीच में से आके उत्तर प्रदेश जाता है। तो दिल्ली को जो रिंग रोड है ईस्टर्ली और वेस्टर्ली बाईपास, इसका सुप्रीम कोर्ट में केस हुआ था। भूरेलाल जी मेरे पास चार बार आए। अब ये रोड का काम मैंने शुरू कर दिया और 400 दिन में हम पूरा करने की बात हमने की है। उसमें से मानेसर से पलवल, अब मुझे ये गांव मालूम नहीं है, कहीं मेरे से गलती होगी, मानेसर से पलवल 50 किलोमीटर मैंने इनॉग्रेट कर दिया। अब जयपुर से नोएडा जाना होगा तो अगर मैं सही हूँ तो मानेसर से उधर से डायरेक्ट पलवल जाकर, पलवल से आप उधर से मथुरा वाला रोड है वहाँ से डायरेक्ट नोएडा जा सकते हैं। अब ये पूरा रिंग रोड पूरा होगा तो दिल्ली का 50% ट्रैफिक कम हो जाएगा। फिर मुकरदमा चौक से हरियाणा का 8-लेन रोड हमने बनाना शुरू कर दिया है। फिर दिल्ली से मेरठ एक्सप्रेस हाईवे का काम शुरू किया है। ये दिल्ली से NH-24 स्वामीनारायण मंदिर से लेकर दासना तक 14-लेन का रोड बना रहे हैं, उसका काम शुरू हुआ है। और दासना के बाद ये ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे मेरठ जाएगा। और मैंने प्लान किया कि दासना से लखनऊ तक, कानपुर से लखनऊ 8-लेन एक्सिस कंट्रोल एक्सप्रेस हाईवे और कानपुर तक फिर 3-3 लेन डेडिकेटेड एक्सिस कंट्रोल अप टू लखनऊ। अभी दिल्ली से कटरा का हमने प्लान किया है। तो मुझे लगता है कि दिल्ली जयपुर एक्सप्रेस हाईवे बना रहे हैं, उसका अलाइनमेंट पक्का किया है। दिल्ली जयपुर का जो एग्जिस्टिंग रोड था उसमें 52 फ्लाईओवर हमने बनाए। देहरादून जाने वाला रोड था वो बंद पड़ा था हरिद्वार का, वो सुधारा है। दिल्ली में अगर ये रोड सब अच्छे हो जाएंगे तो अब इसके अलावा एक छोटी सी बात, अब दिल्ली में और हमने एक स्टडी किया और 30,000 करोड़ के 8 एलिवेटेड रोड दिल्ली में बना रहे हैं जिसके कारण डायरेक्ट ट्रैफिक रिंग रोड पर चला जाएगा। और मेरा विश्वास है कि 2 साल के अंदर, आप उसको नोट करके रखिए ना तो पूछिए मुझे सवाल, तो 2 साल के अंदर दिल्ली का ट्रैफिक जाम और पोल्यूशन हम 50% से कम करके, मेरा डिपार्टमेंट उतना काम करके दिखाएगा, ये मैं आपको विश्वास दे रहा हूँ। आपने अपने कार्यकाल के भीतर की बात कही है इसलिए याद हमें ज़रूर रहेगी। या आपने रोड एक्सीडेंट्स को भी 50% कम कर देने का दावा किया है। मैंने हमारे महाराष्ट्र में जब मैं मंत्री था तो मैंने एक अपघात निवारण समिति तैयार की थी और पुणे कोल्हापुर रोड पर एक जयसिंहपुर बाईपास था, 125 लोग मरे थे। तो मैंने 2,500 स्पॉट आइडेंटिफाई किए थे। इस बार हमने 11,000 करोड़ की प्रोविजन करके 726 स्पॉट हम इम्प्रूव कर रहे हैं। फिर कुछ जगह जैसे गुड़गांव की जगह 2 अंडरपास बना रहे हैं, 4 फ्लाईओवर बना रहे हैं, हीरो होंडा और ये गुड़गांव रोड पर 4 फ्लाईओवर बना रहे हैं। तो अभी हमने निर्णय किया है कि हम लोग रोड इंजीनियरिंग में सुधार करेंगे। तो उसमें 1% ऑफ कॉस्ट ऑफ रोड कंस्ट्रक्शन जो करीब 5% आएगी वो रोड सेफ्टी के लिए यूज़ करने के लिए हमने कैबिनेट नोट मूव की है। और 1% कॉस्ट जो है वो प्लांटेशन, ट्रांसप्लांटेशन, ब्यूटिफिकेशन और रोड ग्रीनरी के लिए हम खर्चा करने वाले हैं। और इसमें काफ़ी काम शुरू हुआ है। देश में 5 लाख एक्सीडेंट होते हैं, 3 लाख लोगों के हाथ पैर टूट जाते हैं और 1.5 लाख लोग मर जाते हैं। और अगर मैं नम्रतापूर्वक आपको बताता हूँ कि मैं चाहते हुए भी मोटर व्हीकल एक्ट नहीं ला पाया। देश में 30% लाइसेंस बोगस है। मगर इन लोगों को पूछूंगा कि आप में से कितने लोग RTO में जाके लाइसेंस आपने लिया है तो इनके लिए भी एम्बैरेसिंग क्वेश्चन होगा। वर्ल्ड में सबसे आसान अगर कोई बात है लाइसेंस मिलाना तो हिंदुस्तान में। अब मैं 4,000 ड्राइविंग सेंटर खोल रहा हूँ जहाँ कंप्यूटर परीक्षा लेगा और वो डिक्लेयर करेगा फेल और पास और फिर वो सैटेलाइट से इन्फॉर्मेशन RTO ऑफिस में जाएगी और 3 दिन में उसको ड्राइविंग लाइसेंस मिलेगा। ऐसे 4,000 सेंटर्स खोल रहा हूँ जो फिटनेस सर्टिफिकेट भी देंगे और पोल्यूशन सर्टिफिकेट भी देंगे। पूर्व मंत्री रह चुके CP जोशी जी ने एक सवाल आपके लिए रिकॉर्ड करवाया है, हम वो आपको सुनाते हैं, आपसे जवाब चाहेंगे उसका। माननीय गडकरी जी, हम आपसे आशा करें कि UPA सरकार ने 2013 में EPC प्रोजेक्ट प्रारंभ किया था। EPC प्रोजेक्ट के पहले NHAI में हाईएस्ट जो रोड कंस्ट्रक्शन हुआ है NHAI के द्वारा वो लगभग 3,000 किलोमीटर हुआ है। आप बार बार कह रहे हैं 50 किलोमीटर पर डे बनाएंगे, क्या हम आपसे जान सकते हैं कि EPC 2013 में प्रारंभ होने के बाद आज 2 साल हो गए हैं EPC मोड में क्या 50 किलोमीटर पर डे की सड़क का निर्माण आपके टेन्योर में हो रहा है? देखिए, पहली बात तो मैं केवल EPC की बात नहीं कर रहा हूँ। EPC मैंने डायरेक्ट हम पैसा देते हैं और कॉन्ट्रैक्टर को काम देते हैं। ये PPP है। PPP में हमने 9 प्रोजेक्ट दिए पर बीच में देश की हालत ऐसी बिगड़ गई कि कॉन्ट्रैक्टर्स PPP मोड में काम करने के लायक स्थिति में नहीं रहे, क्योंकि मैंने बताया 3,50,000 करोड़ के मैक्सिमम PPP प्रोजेक्ट फंस गए थे। अभी हमने हाइब्रिड नया कहा किया है। हाइब्रिड प्रोजेक्ट का मतलब ऐसा है कि कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन जो होगी 40% हम ग्रांटी नेट देंगे, 80% लैंड एक्विजिशन किए बिना हम वर्क ऑर्डर नहीं देंगे।
पुराने समय में गलती ये हुई है कि 10% पे भी लैंड एक्विजिशन नहीं हुआ था तो भी वर्क ऑर्डर दिया था, तो 80% लैंड एक्विजिशन करेंगे, यूटिलिटी शिफ्टिंग हम पूरा करेंगे, रेलवे ओवर ब्रिजेस की परमिशन देंगे, फॉरेस्ट एनवायरमेंट गवर्नमेंट मिनिस्ट्री का क्लियरेंस करके देंगे और फिर प्रोजेक्ट देंगे। पूरे देश में मैं 41 किलोमीटर पर डे करूँगा 26 में से अगले 26 मई तक, ये मैंने टारगेट रखा है। अब अगले 26 मई को आप मुझे इंटरव्यू करेंगी तब मैं बता पाऊंगा कि मैं पूरा कर सका हूं या नहीं कर सका हूं, उसी दिन तय होगा। आपने दिल्ली जयपुर हाईवे की बात की थी, कुछ ऐसे हाईवेज हैं जो पता नहीं कितने समय से अटके पड़े हैं, वहां के लोगों को आदत हो गई है कि ये हाईवे तो बस ऊपर से गुजरेगा, इस पर से गाड़ी नहीं जा सकती है। दिल्ली जयपुर हाईवे 3 साल की देरी से ही चल रहा था, इंतजार ही करना पड़ रहा था उसका। नागपुर जबलपुर हाईवे 10 साल की देरी, मुजफ्फरनगर देहरादून हाईवे जो है 4 साल की देरी, क्या रफ्तार की गाड़ी? आपने अच्छा किया, अभी 3 प्रोजेक्ट का कारण समझ लो। हाँ, ये नागपुर जबलपुर हाईवे में ये फॉरेस्ट एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री के देहरादून इंस्टीट्यूट ने कहा था, ये मेरे नागपुर से नज़दीक है, कि जो टाइगर है ये पेंच में और हमारा जो टाइगर का मध्य प्रदेश का एरिया आता है, तो ये टाइगर जो है ये जाने के लिए आप 1200 करोड़ के एलिवेटेड रोड बनाओ ताकि टाइगर नीचे से जाए। तब मैं ये प्रोजेक्ट बन पड़ा था क्योंकि वहाँ ग्रीन जज और फिर ये काउंसिल में अपना ये ग्रीन ट्रिब्यूनल में केस आई, मामला कोर्ट में था, काम बन पड़ा था। मैं मिनिस्टर बनने के बाद नागपुर हाईकोर्ट ने इसमें निर्णय दिया, फिर नागपुर हाईकोर्ट के निर्णय को फिर ग्रीन ट्रिब्यूनल ने स्टे किया, फिर ग्रीन ट्रिब्यूनल ट्रिब्यूनल ने सुप्रीम कोर्ट में गया। अब सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा डिसीजन दिया उस रोड पर और रोड का काम जोरों से शुरू हुआ। दिल्ली के जयपुर का पूरा काम बंद पड़ा था क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर भी चला गया था, 13 बैंकर्स थी, उनका कंसोर्टियम था। अब उसमें लगभग 95% प्रॉब्लम सॉल्व हो गए, इस साल दिसंबर में पूरा काम हो जाएगा। 52 फ्लाईओवर्स पूरे हुए हैं जो दिल्ली जयपुर जाते होंगे, मुझे कुछ लोगों ने बताया कि पहले 5 घंटे लगते थे, अब 2.5 घंटे और 3 घंटे में गए। पता सच क्या ये लोग बता पाएंगे, मैं इस रोड पर तो नहीं जाऊँ। जो देहरादून का रोड था वो मैंने खुद इंस्पेक्शन किया, वो भी बंद पड़ा था। अब वो मुजफ्फरनगर से देहरादून का रोड भी करीब 85% पूरा हुआ है, आने वाले 4 महीने वो भी पूरा हो जाएगा। पर ये प्रोजेक्ट किसने रोके थे? आप इसके ऊपर चर्चा क्यों नहीं कराते? हर प्रोजेक्ट रोकता तो कोई, इस देश में ऐसा माहौल है कि कोई काम करो करके नहीं बोलता, जो आता वो बोलता काम बंद करो। कई आता है तो ग्रीन जज स्टे देते, कभी हाईकोर्ट स्टे देता है, कभी सुप्रीम कोर्ट स्टे देता है, तीनों ने दिया तो लोक कोर्ट में जाते उसके कारण स्टे मिलता है, उन्होंने क्लियर किया तो कोई लैंड एक्विजिशन का मामला कोर्ट में जाता है, उन्होंने क्लियर किया तो कोई एनवायरनमेंट फॉरेस्ट वाला एक PIL डाल के रोक देता है। देश का ऐसा माहौल अगर विकास के लिए रहेगा तो कौन काम कर पाएगा? तो कहीं ना कहीं हमको समाज में गरीब लोगों का भी सोचना होगा, विकास का भी सोचना होगा और पर्यावरण के साथ कॉम्प्रोमाइज न करते हुए उसको भी प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। वी नीड इंटीग्रेटेड अप्रोच, ये सबको साथ लेकर ये बनाना पड़ेगा। एक्सेंट्रिक कोई भी व्यू पॉइंट देश के हित का नहीं है, इतना ही मैं कहना चाहता हूँ। हम ऑडियंस में से 2 सवाल लेते हैं ताकि पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट रहे। हमने सबको, सबका नाम इसमें डाल दिया है और किन्हीं 2 नामों को इसमें से निकाल कर देखते हैं किसकी बारी आती है सवाल पूछने की। डॉक्टर JP गुप्ता, परफॉर्मेंस ऑफ द गवर्नमेंट इज ओनली रिफ्लेक्टेड बाय द परफॉर्मेंस ऑफ योर मिनिस्ट्री, यू हैव सेट सो हाई स्टैंडर्ड्स, व्हाट यू द एडवाइस ऑफ योर्स टू योर अदर कोलीग्स? मोदी जी के नेतृत्व में सभी डिपार्टमेंट अच्छा काम कर रहे हैं और इसलिए केवल मुझे फ़ायदा है कि मेरे डिपार्टमेंट का काम विजिबल होने के कारण कभी कभी ऐसा कुछ लोगों को लगता है, बाकी पूरी सरकार अच्छा काम कर रही है, यही मैं कहूँगा। इसलिए आपको 5-स्टार मंत्री कहा जाता है? मुझे पता नहीं कौन क्या कहता है, मैं सुबह 8 से लेकर 10 बजे तक अपना काम करते रहता हूँ। इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में पीयूष गोयल जी आए थे, वहाँ पर उनसे पूछा गया कि नरेंद्र मोदी जी सबसे ज़्यादा किसकी सुनते हैं, उन्होंने कहा नितिन गडकरी जी की। ये बात सच है? नहीं, मैं पहले से थोड़ा बेबाक हूँ और मैंने कभी छल कपट और कारस्थान की राजनीति नहीं की है और मैं राजनीति के लिए वैसे भी मिसफिट हूँ। मैं राजनीति को सामाजिक आर्थिक परिवर्तन का उपकरण मानता हूँ और मैं कभी स्वागत सत्कार में कभी मैं ये पसंद भी नहीं करता। जॉर्ज फर्नांडिस मेरे आइकॉन है और उनका सादा जीवन मैंने नज़दीक से देखा है, तो मैं बहुत लोगों से मिलता हूँ और सबसे मेरा अप्रोच होता है, तो कभी कभी अगर मुझे कुछ बात लगती है तो अगर वो एक आधा व्यू पॉइंट किसी को पसंद आए ना, पर मैं बोलता हूँ, मीडिया में भी बोलता हूँ और स्पष्ट बोलता हूँ, तो एक आधे बार बोलते समय तो कभी कभी मैं अपनी बात
मोदी जी को कहता हूँ ऐसा मत करिए, ये नहीं करना चाहिए, इसका ये नुकसान होगा। पर अल्टीमेटली वो लीडर है, वो जो निर्णय करेंगे वो मान्य करते हैं। तो मैं बहुत से बातों पर अपने व्यू बोलता हूँ, इसलिए पीयूष जी ने कहा होगा। और बहुत बार मोदी जी अगर मेरी बात सही रहती है तो कहते कि ये सही है, तो कभी कभी मेरे कारण कुछ कैबिनेट मिनिस्टर के नोट वापस हो जाती है तो बड़ा वो नाराज़ होते हैं मेरे ऊपर। तो वो बोलते हैं कि पहले तुम बताओ यार, तुम जाके अंदर विरोध मत करो। तो मैं देख लेता हूँ, बोलता नहीं अच्छा है, मैं सपोर्ट करूँगा। आपको पता ही होगा कि मैं RSS का स्वयंसेवक हूँ, और हमको संगम में सिखाया था, मनसा सततम स्मरणीयम, वचसा सततम वदनीयम, लोकहितम मम करणीयम। तो लोगों के हित में जितना हो सकता है उतना काम करना मैं हर समय सोचता हूँ। और मुझे इस बात का दुख है कि मैं 50% लोगों की जान बचाना चाहता हूँ, पर मैं इस क्षेत्र में अभी तक ज़्यादा काम नहीं कर पाया हूँ। तो ये कुछ बातें मैं फेलियर्स को भी स्वीकार करता हूँ। नितिन जी, आपने संघ का की बात छेड़ी है, तो मैं ये आपसे समझना चाहूँगी कि संघ मतलब हिंदुत्व या संघ मतलब राष्ट्रवाद, क्योंकि हमेशा उसे समुदाय विशेष से जोड़कर। आपने कभी विवेकानंद जी को पढ़ा होगा। मैं आपसे बस ये जानना चाहती हूँ कि ये पसोपेश कहाँ से आया, ये क्यों असमंजस डाला गया। ये एक सेक्शन ऑफ मीडिया जो है लेफ्टिस्ट थिंकिंग की है, जो मोदी आने के कारण संघ का स्वयंसेवक प्रधानमंत्री बना, भाजपा का राजा इसे अस्वस्थ है, जब कन्विंस नहीं किया जाता तो कन्फ्यूज करने की थ्योरी है, वो चलाते रहते हैं। हिंदुत्व ये रिलीजियस कंसेप्ट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने हिंदुत्व की व्याख्या की, इट इज़ ए वे ऑफ लिविंग। और विवेकानंद जी ने अमेरिका में भारतीय संस्कृति, इतिहास और विरासत की बात की है, वो हिंदुत्व की बात की है, वो भारतीयत्व की बात की है, और वो एक हम जीवन दर्शन है। और हिंदुत्व ये जात और धर्म के साथ जुड़ी हुआ रिस्ट्रिक्टेड कंसेप्ट नहीं है। इसलिए हिंदुत्व ये एंटी मुस्लिम है और एंटी माइनॉरिटी है, ऐसा अपप्रचार गलत है। कुछ राजनीतिक लोगों का ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है पॉलिटिकल वोट बैंक के लिए, उनका सबसे बड़ा कैपिटल है फियर, डर। और वो RSS, BJP, मोदी जी हमारे बारे में माइनॉरिटी के मन में, शेड्यूल ट्राइब के मन में, शेड्यूल कास्ट के मन में और गरीब के मन में डर पैदा करना चाहते हैं। क्या आपकी खुद की पार्टी में बहुत सारे लोग ऐसे नहीं है जो इस दो मिनट में आपको बोल देता हूँ, फिर आप सवाल पूछिए। तो ये जो है ये इमेज वर्सेस रियलिटी एंड ग्राउंड रियलिटी वर्सेस परसेप्शन वाली बात है। राष्ट्रवाद ये ही हिंदुत्व का ही कंसेप्ट है, भारतीयत्व का कंसेप्ट है। और मैं जैसे काम कर रहा हूँ तो मेरे में फीलिंग है कि ये मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है देश के लिए काम करने की। मेरा कितने कांग्रेस के MP आते हैं चिपने, मैं उनके काम फटाफट कर देता हूँ, कोई भी पार्टी के हो तो मैं मुझे वो बड़े खुश होते हैं, बाहर भी जाके बोलते हैं तो मुझे बोलते हैं ये तो BJP वाला, इसने काम कैसे कर, देश BJP का थोड़ी है, देश सबका है, और आपके कॉन्स्टिट्यूंसी में जो भी काम मैं कर सकता हूँ मैं काम कर दूंगा। तो मुझे लगता है कि यही राष्ट्रवाद का कंसेप्ट है कि देश की प्रगति हो, विकास हो। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा डेवलपमेंट होगा तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट आएगी, इंडस्ट्री में, एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट आएगी, तो रोजगार का निर्माण होगा, रोजगार का निर्माण होगा तो गरीबी दूर होगी। तो राष्ट्रवाद और हिंदुत्व ये कॉन्ट्रेडिक्टरी कंसेप्ट नहीं है, पर दुर्भाग्यवश इसके बारे में इमेज वर्सेस रियलिटी एंड ग्राउंड रियलिटी वर्सेस परसेप्शन है। वोट बैंक के पॉलिटिक्स के कारण इसको बदनाम करने की कोशिश की जाती है, पर सच्चाई समझेंगे तो लोगों के ध्यान में आएगा। सिर्फ वैसी विचारधारा वाले पत्रकार या राजनीतिक पार्टियां ही जिम्मेदार हैं? क्या अंदर के कुछ ऐसे लोग जो इस तरह के बयान दे देते हैं जो शायद नहीं देने चाहिए, जो विरोधाभास से भरे होते हैं, वो जिम्मेदार नहीं है? देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं पार्टी का अध्यक्ष था, तो हमारी पार्टी में ऐसा है कि एक निर्णय करने के लिए मुझे 10 लोगों से पूछना पड़ता है, क्योंकि ये पार्टी माँ बेटों की, पिता पुत्रों की और फैमिली की पार्टी नहीं है, ये लोकतांत्रिक पार्टी है। मेरी माँ MLA नहीं थी, मेरे पिता MP नहीं थे, मैं झंडा लेके दौड़ता था, मैं स्टूडेंट लीडर था, कई मारपीट में था, कभी मोर्चे निकालता था, पुतले फूकने का काम करता था, एक्सपर्टाइज था। अब वो पार्टी में मैं कभी दिल्ली आया नहीं, मैंने अपना बायोडाटा दिया नहीं किसी को, किसी का मैंने पोस्टर बैनर लगाया नहीं, ना अपना लगाया। अब मेरे जैसा सामान्य व्यक्ति जो लाउडस्पीकर साइकिल रिक्शा पर बैठ के अनाउंसमेंट करता, जो साइकिल पर खड़ा होकर पोस्टर चिपका था, वो पार्टी का अध्यक्ष बना। तो ये पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है, कार्यकर्ता पार्टी। दूसरा एक काम प्रॉब्लम क्या है, इसका कोई मालिक नहीं है, और इसलिए हर आदमी अपने को मालिक समझता है। और सबसे प्रॉब्लम है कि ये जो दंडुका है तुम्हारा, ये हमारे पार्टी के नेताओं का बड़ा इससे प्रेम है। तुम जैसे हम बाहर से निकलते हैं अपने मुंह पे तुरंत ही अपना बोल ही देता है। मैंने जब BJP का अध्यक्ष था तो मैंने कहा था एक काम करो, नेशनल एग्जीक्यूटिव में एक गुलाब में हार डालते थे, एक दुपट्टा डालते थे, मैंने बोला एक सिगरेट पट्टी भी मुंह पे लगा दो। अरे भाई तुम क्यों बोलते हो, तुमको बोलने की जरूरत क्या है? तो ऐसे हमारे पार्टी में भी क्या है कि अपोजिशन पार्टी में रहने के कारण
मोर्चे घेराव पुतले फूकना इसकी आदत जन्म भर वही करते आए, अब हम रूलिंग पार्टी में बने हैं तो अब रूलिंग पार्टी की मानसिकता में आने के लिए चुपचाप रहना, कॉन्ट्राडिक्टरी बातें नहीं करना, मीडिया से कम बात करना, इसका अभी थोड़ा थोड़ा ट्रेन हो गया। दूसरी बात आप करो, जिन लोगों को मैं जानता नहीं जो पार्टी में नहीं है, वो आप राजनाथ सिंह पार्टी के पूर्व अध्यक्ष है, मैं अध्यक्ष हूँ, हमारी प्रतिक्रिया नहीं दिखाते, मोदी जी की प्रतिक्रिया नहीं दिखाते, और कोई लखनऊ कानपुर में कोई गांव में कोई बोलता है उसको दिन भर 24 घंटे चला दी, इसने ऐसा कहा, इसने ऐसा कहा, इसने इस पर ये कहा। अब इसलिए अगर हमारा कोई इंपॉर्टेंट व्यक्ति है, हम अमित शाह बोल रहा है, नितिन गडकरी बोल रहा है, नरेंद्र मोदी बोल रहे हैं, अगर अरुण जेटली बोल रहे हैं, सुषमा स्वराज बोल रहे हैं, राजनाथ सिंह बोल रहे हैं, कुछ गलती हुई तो हमको पिटने का काम करो। नहीं, कोई मंत्री बोलता है तो नहीं, आए नए नए लोग आए हैं, नए कलाकार है, ट्रेनिंग की आवश्यकता है उनको, हम उनको समझाते, अमित शाह भी डटाते, मैंने भी अपने यहाँ बुलाकर बहुत मंत्रियों को कहा ऐसा नहीं बोलना चाहिए, पर चुपचाप अकेले में कहते, धीरे धीरे सुधर जाएंगे सब लोग। पर एक बात मैं समझ नहीं आता कि जो बहुत ही अननोन आदमी, एक तो मेरे को टीवी पे देखा, एक भगवे कपड़े पहने हुए पहला थी, उसको मैंने बीजेपी कभी देखा ही नहीं, और जो बोल रही थी पूरा हमारे नाम पर चिपका रहे थे, हमारा कोई संबंध नहीं। तो कभी कभी क्या होता है कि ऐसी बातों को कुछ लोग राह देख रहे हैं कि बीजेपी को ठोकने का मौका कहाँ मिल रहा है, कहाँ इनको बदनाम करने का मौका मिल रहा है। ऐसे आप नहीं है, ऐसे एक सेक्शन ऑफ मीडिया में है, और वो ऐसा चांस देखते और कोई हमारा नो बॉल पर एक आधा गाड़ी बैट घुमा ही देता है, दिन भर उसको चलाते हैं, तो ये मुझे लगता है कि ये सच्चाई नहीं है। सुरेंद्र सिंह दूसरा जो नाम निकला था, सुरेंद्र सिंह, मैं गडकरी साहब से गुजारिश करना चाहता हूँ कि हम लोगों ने लोकतांत्रिक तरीके से आपकी बीजेपी की सरकार को चुना, मोदी साहब को प्राइम मिनिस्टर बनाया, उन्होंने कहा मेक इन इंडिया, लेकिन या तो टैक्सी वालों को उजाड़ने की बात हो रही है, अब सुप्रीम कोर्ट करता है तो सुप्रीम कोर्ट को हम तो नहीं चुन रहे ना, आपकी जवाबदेही दिल्ली की जनता के प्रति होती है कि 70% जो सिख अल्पसंख्यक है इस धंधे से जुड़ा हुआ है और डीजल के नाम पर हम लोगों को उजाड़ा जा रहा है। अगर डीजल से इतनी तकलीफ है हिंदुस्तान के लोगों को या मंत्री को या सुप्रीम कोर्ट को या एपका को, तो वो डीजल ही क्यों ना बंद कर दिया जाए दिल्ली से। देखो, पहली बात तो ऐसा है कि आपके कुछ बातों से मैं सहमत हूँ और कुछ बातों से सहमत नहीं हूँ। आइदर यू लाइक इट मे नॉट लाइक इट, मुझे अच्छा लगे कि बुरा लगे, इस देश में हमारा लोकतंत्र जुडिशियरी, मीडिया, एग्जीक्यूटिव विंग एंड लेजिस्लेटिव विंग, ये चार स्तंभों पर खड़ा है, और कोर्ट का निर्णय होता है, उसको ना प्रधानमंत्री चैलेंज कर सकता है ना राष्ट्रपति चैलेंज कर सकता है, एनी डिसीजन फ्रॉम द कोर्ट वो स्वीकारना पड़ता है। सर आप एक मिनट आप सुन लीजिए, अब आपके इसमें पोल्यूशन के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया, मिनट भर ये निर्णय आपके विरोध में था, पर मैंने अपने डिपार्टमेंट में हमारे एडवोकेट्स को बुलाकर, मैं, अनंत गीते जी और प्रकाश जावड़ेकर, तीनों ने बैठकर निर्णय किया और हमने तीनों ने एफिडेविट किया और हमने कोर्ट को ये प्रार्थना की कि आप जो कह रहे पोल्यूशन कम होना चाहिए इससे हम बिल्कुल सहमत हैं, पर एकदम ये निर्णय करने से स्वाभाविक रूप से आपने जो बात की उनके ऊपर अन्याय होगा, उन्होंने बैंकों से कर्जा लिया है, उनके पास डीजल की टैक्सीज है, और ये टैक्सी क्या करेंगे, बैंक का कर्जा कैसा चुकाएंगे। तो फिर हमने कहा जिनके पास परमिट है और परमिट जिस दिन तक है उस दिन तक आप उनको अनुमति दो, और अब इसके बाद लगे तो हम आने वाली नई टैक्सी सीएनजी के ऊपर लेंगे, और कोर्ट ने उसको अनुमति दी और आपका धंधे को सुरक्षित करके आपको बचाने का काम हमने किया। आप ये याद रखिए कि आखिर सुप्रीम कोर्ट देश का है, उसका निर्णय मेरे ऊपर, मोदी जी के ऊपर, सबके ऊपर बंधनकारक होता है, फिर भी हमने आपकी बात को कोर्ट को फिर से प्रार्थना करके, रिक्वेस्ट करके, एफिडेविट करके कहा और आपके फेवर में निर्णय भी आया है। सर, मैंने कई बार आपको बहुत से इंटरव्यू में गुनगुनाते हुए सुना है, मोदी सरकार के 2 साल पूरे हुए हैं और जनता के अच्छे दिन आ गए हैं, तो इस मौके पे कुछ आप गुनगुना दे तो बहुत अच्छा होगा। ये तो मैं गुनगुना, अभी घर में मैं बाथरूम सिंगर हूँ। ना चाहते थे, हमने तमाम तरह की बातें की हैं, अब कुछ चुनावी नतीजों पर भी बात हो जाए। असम के जो नतीजे आए हैं और बाकी इलाकों में जिस तरीके से बीजेपी की पैठ बनी है, उससे खुशी हुई होगी, संतुष्टि हुई होगी, लेकिन क्या जीत में भी कोई सबक आपने देखा? मसलन ये कि एक मुख्यमंत्री के कैंडिडेट का नाम अगर बताया जाता है तो लोग ज़्यादा उस ओर मुड़ते हैं। देखिए, पहली बात तो है कि हिंदुस्तान के इतिहास में ये चुनाव की जीत हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमें लोग उत्तर भारत की पार्टी कहते थे, हम कभी महाराष्ट्र में नहीं जीतते थे, गोवा में नहीं जीतते थे, अब धीरे धीरे महाराष्ट्र जीते, गोवा जीते, कर्नाटक जीते, ये उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल हम जीते आए। अब क्या हुआ कि पहली बार हमारी नॉर्थ ईस्ट में आसाम में सरकार बनी है और ये हमारे लिए बहुत बड़ी जीत है। और दूसरी इम्पोर्टेंट जीत ये है कि बंगाल में हम नहीं के बराबर थे, पहली बार हमारे 4 MLA जीते हैं। तमिलनाडु में हमारे को एंट्री नहीं मिली, केरल में भी एक ही जीता है,
पर तमिलनाडु और केरल में जो हमारा वोट राइज हुआ है वो काफ़ी बड़ा हुआ है। तो ये मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए, विशेष रूप से हमारी विचारधारा के लिए, तमिलनाडु, केरल और बंगाल, यहाँ हमको मिला हुआ वोट परसेंटेज, ये हमारे सही में आज हम ऑल इंडिया पार्टी बने हैं। और आसाम के जीत ने हमको नॉर्थ ईस्ट में भी एक नया गेट ओपन करके दिया है। और मैं मानता हूँ कि ये जो अटल जी का सपना था, दीनदयाल जी का सपना था, श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना था, अटल जी अडवाणी जी ने जिसके लिए अनेक सालों तक कष्ट किए हैं, वो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, अमित शाह के नेतृत्व में पहली बार हम नॉर्थ ईस्ट में, आसाम में चुनाव जीते हैं, ये हमारी पार्टी के इतिहास की बहुत बड़ी उपलब्धि है। चुनाव की जीत शायद छोटी होगी, पर इन राज्यों में हमने जितना, उत्तर प्रदेश में हमने जितना आश्चर्य नहीं है, पंजाब हरियाणा में जितना हमने आश्चर्य नहीं है, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में जितना आश्चर्य नहीं है, गुजरात में जितना हमने आश्चर्य नहीं है, पर आसाम में जितना, ये पहली बार हमारी जीत है। और ये हमारे पार्टी की विचारधारा को राष्ट्रव्यापी मान्यता मिली। ममता बनर्जी ने एक दिलचस्प विश्लेषण किया आपकी जीत का, उन्होंने कहा नरेंद्र मोदी के सबसे बड़े एसेट हैं राहुल गांधी। मैं तो इसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करूँगा, पर कांग्रेस का नेतृत्व, ये माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी जो है, जो उनकी इकोनॉमिक सोच देश के लिए घातक है, ऐसी माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी, कुछ इंटेलेक्चुअल्स उनको घेर कर मिसगाइड करते हैं। देश के हित में राहुल गांधी जी ने अच्छे सलाहकार चुनने चाहिए, और लोकतंत्र की यशस्विता के लिए विपक्ष भी उतना ही ताकतवान चाहिए, और गुणात्मक संघर्ष लोकतंत्र में होता है तो अच्छा है। बाकी ममता जी की बात उनकी है, मैं कुछ कहूँगा नहीं। अगर कांग्रेस की तरफ से इस तरह की बातें होती हैं कि जो उसके पुराने साथी हैं वो सारे उनके पास लौट आए, क्योंकि बीजेपी को अगर चैलेंज करना है तो सबको एक साथ होना होगा, आप लोग पॉलिटिकल अनटचेबल्स बहुत समय से रहे हैं, बहुत कम सहयोगी होते हैं जो आपके पास आते हैं, हमारे लेकिन इस तरह का अगर एक गठबंधन खड़ा हो कि उसमें ममता बनर्जी भी चली जाए, समाजवादी पार्टी चली जाए, नीतीश कुमार चले जाए, तो वो बीजेपी के लिए खतरा हो सकता है। इसका जवाब तो आपने देना जी, बंगाल में क्या हुआ, जो केरल में कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस पार्टी आपस में बिल्कुल ज़ोर से लड़ रही है, जो एक दूसरे को हराने की कोशिश कर रहे थे, वो लोग बंगाल में कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी एक आई, और मीडिया ने ये कहना शुरू किया, उनने मैथमेटिकल इक्वेशन के आधार पर कहा कि ये दोनों एक हो गए, अब इनको अच्छा फ्यूचर है। और देश की जनता ने कांग्रेस और कम्युनिस्ट की युति बंगाल में क्या हालत कर दी। और इसलिए 2+2=4 ये राजनीति में कभी नहीं होता, कभी होता भी है। अगर बिहार में लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार जी और उनके साथ कांग्रेस पार्टी तीनों एक नहीं आते तो शायद हम चुनाव में हारते नहीं। और इसलिए कभी ये एक भी होता कभी नहीं होता। पर जैसे पोलराइजेशन हो रहा पॉलिटिक्स में, देखो हम जितना हम मजबूत बनेंगे, जितना हम स्ट्रांग बनेंगे, उतने अपोजिशन पार्टियाँ इकट्ठा हो जाएगी। हम तैयार हैं सबसे लड़ने के लिए, हम लड़ेंगे। और ये 2+2 जिनके विचारधारा के आधार पर कोई संबंध नहीं है, इट इज़ ए पॉलिटिक्स ऑफ कन्वीनियंस एंड अपॉर्चुनिज्म। ये अवसरोवादियों की राजनीति है कि जो एक राज्य में एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं केवल हमारे विरोध के लिए, हमारे डर के कारण वो इकट्ठा हो रहे हैं, तो देश की जनता भी ऐसे अपॉर्चुनिस्ट पॉलिटिशियंस से और पार्टियों से समझती है, वो इनको साथ नहीं देती। और बंगाल में कांग्रेस और कम्युनिस्ट एक होने के बाद में भी लोगों ने ममता बनर्जी को चुन कर दिया, और उनके सीटें बढ़ी, पिछले तुलना में बढ़ी, और इनका वोट परसेंटेज पिछले तुलना में भी कम हुआ है। इसका मतलब दोनों ने एक आने से 2+2=4 नहीं होते, तो 2+2 ये 2 होता है, ये इस चुनाव ने सिद्ध कर दिया है। हम आपकी कंस्टिट्यूएंसी के लोगों के सवाल सुन लेते हैं। हम दो लोगों के सवाल हैं, हम चाहेंगे कि हम दोनों एक साथ करें प्ले, ताकि हम दोनों के जवाब एक साथ लें जी। नितिन गडकरी जी, देश छोड़िए, नागपुर का क्या विकास किया, दो साल में क्या किया, ये नागपुर की जनता चाहती है, क्योंकि वो नागपुर के सांसद है। और दूसरी बात, नेशनल हाईवे की जो बात है, दो साल में नेशनल हाईवे की नागपुर से जो हैदराबाद उधर जाते हैं उनकी इतनी हालत बेहतर है कि उसमें कुछ बदलाव नहीं हुआ। मैं ये चाहता हूँ कि वो उसमें उन्होंने बदलाव करने के लिए क्या किए ये बताइए। गडकरी जी ने जो इलेक्शन के समय जो वादे किए थे और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन लिया था ये मिहान के बारे में कि 50,000 लोग 1,000 बेरोजगार को जॉब मिलेगा, अभी तक वहाँ पे प्लेसमेंट शुरू हुआ नहीं है, प्रॉपर लोकल लोगों को वहाँ पे नौकरी भी नहीं मिली है, वो भी नहीं हुआ ना। अलग विदर्भ के बारे में भी बोला था कि हम सत्ता में आने के बाद तुरंत अलग विदर्भ करेंगे, वो भी नहीं हुआ अभी तक। कुछ भी जो भी घोषणा उन्होंने की है उसमें से अभी तक पूरा कुछ भी नहीं हो रहा है, आधा समय उनका निकल। तो जो लोग नाखुश थे, हमने खास वो सवाल आपके सामने रखे।
देखिए ये दोनों नाखुश है और दोनों मेरे राजनीतिक विरोधी हो सकते हैं, वैसे नागपुर का माहौल ऐसा नहीं है, फिर भी मैं जवाब देता हूं। इसीलिए मैंने कहा जो नाखुश है, मैंने उनके उनके सवाल आपके सामने। तो पहली बात तो ऐसी है कि नागपुर हैदराबाद रोड का काम टर्मिनेट हुआ था, अब वो फिर से दिया गया और उसका काम शुरू हो गया है। ये बहुत दिनों तक बंद था और ये जो स्टॉल प्रोजेक्ट में था, और अब दोनों पांडरकौड़ा हिंगनघाट से पांडरकौड़ा और पांडरकौड़ा से आगे आंध्र के बॉर्डर तक दोनों पैकेज दिए गए और दोनों रोड पर जोर से काम शुरू है। दूसरी बात, मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में 25,000 करोड़ के काम शुरू है, 9,000 करोड़ के मेट्रो का काम शुरू है, 7,000 करोड़ का नेशनल हाईवे का काम शुरू है, एम्स नागपुर में आया है, आईएम नागपुर में आया है, ट्रिपल आईआईटी नागपुर में आया है, और नागपुर में इस समय अभी इंटरनेशनल एयरपोर्ट नागपुर में आ रहा है, उसका टेंडर निकल रहा है। तो नागपुर में कॉरपोरेशन भी हम जीते, जिला परिषद भी हम जीते, एमएलए भी हमारे सब जीते हैं और नागपुर में काफ़ी विकास हुआ है। इसके साथ नागपुर का एक निहान प्रोजेक्ट है, ये बात सच है कि हमारी सरकार आकर 2 साल हुआ है और महाराष्ट्र की सरकार ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर वो तो और 1.5 साल हुआ है, पर पहली बार देवेंद्र फडणवीस और मैं दोनों नागपुर के हैं। मिहान में मैंने कहा था कि 50,000 लड़कों को रोजगार मिलेगा, आज मिहान में मैंने 8 दिन पहले इन्फॉर्मेशन ली है, 13,000 लड़कों को रोजगार मिला है। मिल गया, हाँ, और वहाँ जो प्रोजेक्ट बंद थे वो चालू हो गए हैं, उसके निर्णय हो गए हैं, इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए प्री क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट निकल चुका है और जल्दी एयरपोर्ट का काम शुरू होगा। मिहान में हमने बोइंग कंपनी ने वहाँ एक हमारे लिए बहुत बड़े प्रमाण पर एक एयर ये जो एरोप्लेन है उसको मेंटेनेंस के लिए एक MRO वहाँ बनाया है, उसका काम अभी शुरू नहीं हुआ है, वो जल्दी हम शुरू करेंगे, उसके लिए जॉइंट वेंचर पार्टनर करके वो काम शुरू होगा और पूरी तरह से अब बिहार के पुनर्वसन के प्रॉब्लम सॉल्व हो गए। रामदेव बाबा आए थे नागपुर, अब उनके लिए जगह दे रहे, पर आप मीडिया में टिका करते तो हमने टेंडर निकाला है, अब रामदेव बाबा नागपुर में अपना मैन्युफैक्चरिंग हब खोल रहे हैं और नागपुर काटोल में संतरे के और जूस की फैक्ट्री खोल रहे हैं, अमरावती में एक कर रहे हैं, और विदर्भ 80% फॉरेस्ट है, तो विदर्भ में जो आयुर्वेदिक वनस्पतियाँ हैं पूरी उसको लेकर बहुत बड़ा रोजगार रामदेव बाबा भी देने वाले हैं। जो टारगेट आपने एम्प्लॉयमेंट का रखा था कि कितने लोगों को नौकरी वहाँ पर मिलेगी स्थानीय लोगों को, वो पूरा होगा? देखिए आपको बताता हूँ और नागपुर की जनता को बताता हूँ, मेरा एक एक टारगेट जो मैंने कहा है वो पूरा नहीं होगा तो जनता के अदालत में मैं सब बातों के लिए क्षमा मांगूंगा। मैं जो 1 रुपया बोलूंगा तो 1.5 रुपये का काम करूंगा। ये दो लोग थे, ये दोनों मैं जानता हूँ, ये दोनों एक राजनीतिक पार्टी के जो मेरे विरोधी है, पर मेरा आपत्ति नहीं है। आप नागपुर में सर्वे कर लो और कई कॉमन मैन को पूछो, अब आपने इनको बुलाया इसके लिए आपत्ति नहीं है, इनका भी जवाब मैंने दे दिया है। हाँ, एक विदर्भ का राज्य अलग बनने की बात है, उसमें वो मेरे हाथ में भी नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी ने भुवनेश्वर में ये करीब 94 में एक प्रस्ताव पास करके छोटे राज्यों के समर्थन में विदर्भ का प्रस्ताव मंजूर किया है और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी छोटे राज्यों का समर्थक भी है, ये पार्टी में राष्ट्रीय कार्यक्रम में रिजोल्यूशन हुआ है और इसलिए हमने विदर्भ राज्य का समर्थन किया है, मैं भी समर्थन किया है, देवेंद्र फडणवीस ने भी किया है। पर इसके लिए विदर्भ में जब आंदोलन होगा, अब विदर्भ की जनता आंदोलन के लिए 400 लोग भी इकट्ठा नहीं होते, तो जब जनता इसके ऊपर, अब हम रूलिंग पार्टी में है, आंदोलन करना हमारा काम नहीं है, अगर एक अच्छा माहौल तैयार होगा तो कांग्रेस पार्टी भी सहयोग करेगी, तो हमको संविधान संशोधन करना होगा तो उसको कांग्रेस का भी सपोर्ट होगा, तो हमारी पार्टी छोटे राज्यों के समर्थन में है, जब भी आएगा तो हम इसका सपोर्ट करेंगे, बात हमने कल भी कही थी, आज भी मैं कह रहा हूँ। हम कार्यक्रम खत्म करें उससे पहले मैं दो और लोगों का मैं कोशिश करूँगी। मिसेस किरण जुनेजा, मोदी जी की मुट्ठी बंद है कि इन्होंने विकास के नाम पर सबको लेकर चल रहे हैं और आपने भी उनको बहुत अच्छा काम करके दिखा रहे हैं, उन्होंने आपको एक जीवन रेखा सुपुर्द की है और हम यही जनता ये चाहती है कि आप आगे बढ़ते जाएं और सबका सहयोग मिलता रहे, धन्यवाद। चलिए सवाल दूसरा नाम है सृष्टि। नहीं, कई बार आपको बहुत से इंटरव्यू में गुनगुनाते हुए सुना है। मोदी सरकार के 2 साल पूरे हुए हैं और जनता के अच्छे दिन आ गए हैं, तो इस मौके पे कुछ आप गुनगुना दे तो बहुत अच्छा होगा। ये तो मैं गुनगुना, अभी घर में मैं बाथरूम सिंगर हूँ मैं बहुत बड़ा गायक नहीं हूँ, पर मैं रोज़ सुबह 1 घंटा एक्सरसाइज करता हूँ और मेरे पास एक iPad है जिसमें करीब 16,000 गीत गाने हैं, मैं मराठी गीते भी बहुत मराठी के गीत सुनता हूँ और हिंदी के भी सुनता हूँ, गज़ल भी सुनता हूँ और उसमें लकी अली से लेकर पाकिस्तान के मैं गुलाम अली तक भी सुनता हूँ, जगजीत सिंह को सुनता हूँ और मैं संगीत का बड़ा शौकीन हूँ,
तो सर एक संगीत मेरे घर में यही कुछ दिन पहले बहुत बड़ा कार्यक्रम भी हुआ था, पर मैं अब पब्लिकली गाऊंगा नहीं, क्योंकि मैं गाया तो सब मीडिया में तुरंत वो चालू हो जाएगा, क्योंकि मैंने एक बार इंदौर में सामने एक भी टीवी नहीं था तो मुझे लगा कोई जाएगा नहीं, तो मैंने गाना गाया, गाने गाया क्या, मेरा गाना खत्म हुआ, देश के पूरे चैनल पर मेरा गाना चल रहा था। तो आपको मैं अकेले में कभी घर में आइए तो जरूर सुना। हाँ जी सर, गुलाम अली का नाम आपने ले लिया तो सवाल उठ खड़ा हुआ कि आपको परहेज नहीं है। देखो, संगीत को, कला को और खेल को जात पंथ धर्म भाषा नहीं होती। कोई भी व्यक्ति, कलाकार, खिलाड़ी, साहित्यिक, लेखक, अगर मेरे रूम में मैंने हरिवंश राय बच्चन की कविता लिखा के रखी है, उधर एक जगह जॉन केनेडी का वाक्य लिखा हुआ है, मैं अभी स्टारबक्स का एक ऑटोबायोग्राफी पढ़ा तो मुझे बड़ा पसंद आया। तो ऐसा है कि साहित्य में, नाटक में, संगीत में, कला में हम व्यक्ति की जात पंथ धर्म भाषा और देश की तरफ नहीं देखना चाहिए, उसकी कला की तरफ देखना चाहिए। और हमारे देश की संस्कृति इतनी विशाल है कि इन बातों में हमने राजनीति नहीं करनी चाहिए। गुलाम अली एक श्रेष्ठ गायक है और वो पाकिस्तान के हैं। अब पाकिस्तान से हमारा है, अगर कोई आतंकवादी आएगा तो उसका जवाब देंगे, पाकिस्तान खुराबत करेगा तो वो भी जवाब देंगे, पर गुलाम अली एज ए गायक आता है तो गायक को गायक जैसा बर्ताव करना चाहिए, उसके साथ आतंकवादी और टेररिस्ट जैसा बर्ताव नहीं करना चाहिए। हमारी भारतीय संस्कृति, इतिहास, विरासत इस बात का प्रतीक है कि सौजन्य, सहजता, शालीनता और सहनशीलता ये हमारी विशेषता है। हमारे विवेकानंद जी ने शिकागो के भाषण में कहा था कि हमें किसी ने सेकुलरिज्म सिखाने की आवश्यकता नहीं, उन्होंने कहा था हम बाय बर्थ सहिष्णु है, सहनशील है, सर्वसमावेशक है। हमने वर्ल्ड के अनेक लोगों को हमने हमारे पास आत्मसात किया है, सबके अलग संस्कृति है, अलग धर्म है, अलग इतिहास है, अलग अलग प्रार्थना स्थल है, सब सम्मान के साथ रह रहे, पारसी आए अच्छे रह रहे, अलग अलग प्रकार के लोग हैं, हम सबका सम्मान करते हैं। तो ये भारत की विशेषता है और इसलिए इसके बारे में कोई संकुचित दृष्टिकोण नहीं रखना चाहिए। हाँ, रही बात आतंकवादी, आतंकवादी संगठन, उसके बारे में कठोर रवैया अपनाना चाहिए, उसमें भी कोई दूमत नहीं है। नितिन गडकरी के सेक्युलरिज्म का मतलब क्या है? सब धर्मों के साथ समान न्याय, जस्टिस विथ ऑल एंड अपीजमेंट ऑफ नन। कोई व्यक्ति उसकी जात पंथ धर्म भाषा सेक्स से बड़ा नहीं होता, उसके गुणों से बड़ा होता है, और गुणों से जो बड़ा होता है उसका सम्मान करना चाहिए, उसकी जात पंथ धर्म भाषा पार्टी सेक्स लैंग्वेज नहीं देखनी चाहिए। आपकी पार्टी की विचारधारा यही है? यही मैं भारतीय जनता पार्टी का पूर्व अध्यक्ष हूँ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक हूँ और यही बात हमको सिखाई गई है जो मैं कह रहा हूँ। कार्यक्रम को ख़त्म करते करते मैं एक बार यही पूछूंगी कि आप खुद अपने काम से कितने संतुष्ट हैं? हमने कहा कि आप 5-स्टार मंत्री हैं, ऐसा माना जाता है, ये लोग मानते हैं, और आपने कहा कि विकास दिखता है, सड़कें दिखती हैं तो लोग सोचते हैं कि हाँ, मैं, लेकिन आप खुद कितने संतुष्ट हैं? अभी इनको पता है कि मैं अच्छा गायक हूँ, हाँ। गा सकता हूँ, पर मैं अच्छा क्रिकेटर भी था और क्रिकेट में मैं जब बैटिंग के लिए जाता था तो पहले बॉल से मैं रन निकालने की कोशिश करता था तो अनेक बार आउट हो जाता था। तो मुझे मेरे टीचर कहते थे क्यों जल्दी करते हो, विकेट पे थोड़ा टिकने के बाद तो शुरू करो, जल्दी क्यों करते हो। पर मेरी आदत वैसी रही है, मेरे लिए राजनीति ये वनडे क्रिकेट है और 20 ओवर के इसमें मुझे डबल सेंचुरी मारनी है, तो आने वाला हर दिन मेरे काम से कम होते जा रहा है। तो मुझे अब कौन कौन से स्टार देता है और कौन क्या लिखता है इससे मेरा कंसर्न नहीं है। कम समय में देश के लिए, लोगों के लिए कितना अच्छा और ज़्यादा काम मैं कर सकता हूँ, ये रोज़ मेरा एजेंडा है। मैं इसके लिए अस्वस्थ हूँ, बहुत से काम मैं जो करने अभी तक कर नहीं पाया इसके लिए मन में दुख है, और इससे भी ज़्यादा मैं काम कर सकता हूँ पर वो कर नहीं पाया, ये मेरे मन की भावना है। मैं और ज़्यादा गति से काम करने की कोशिश करूँगा, हमारा देश आगे जाए, सुखी, समृद्ध, संपन्न, शक्तिशाली बने, भय, भूख, आतंक, भ्रष्टाचार से मुक्त बने और इतना देश का विकास हो कि दुनिया में हमारे नंबर एक पर हमारा देश पहुँचे, यही मोदी जी का और हमारा सबका मिशन है और हम उसी के लिए हम रात दिन काम कर रहे हैं। हम सत्ता पे रहे या ना रहे, ऐसे भी लोग आते हैं जाते हैं, पर ये देश आगे जाना चाहिए, देश की तरक्की होनी चाहिए, यही हमारी विचारधारा और यही हमारा मिशन है। बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने।